नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। पास्ट 5 डेज से अगर इसके टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो आप पाएंगे कि वन साइडेड अपर ट्रेंड इस स्टॉक में दिखे, लेकिन कुछ बड़े पॉजिटिव न्यूज भी इस स्टॉक में दिखे हैं जो ये बात का इंडिकेशन दे रहा है कि जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ट्रेंड है वो और भी अभी पेंडिंग अपर साइड दिख रहा है। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। सबसे पहली न्यूज इस स्टॉक में यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव न्यूज फॉर वोडाफोन आइडिया। और ये क्या पॉजिटिव न्यूज है? यहाँ पॉजिटिव न्यूज ये है कि TDSAT गवर्नमेंट को कहा है 755 करोड़ रिफंड करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये TDSAT क्या होता है, तो इसको मैंने सिंपल यहाँ पे आपको दिखाया है। TDSAT होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट, जहां से जो भी डिस्प्यूट या सेटलमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट के होने होते हैं वो यहीं से होते हैं, जिसके कारण इसने गवर्नमेंट को 755 करोड़ रुपीज आइडिया वोडाफोन को देने को कहा है। इसके अलावा लास्ट टाइम लगभग कल परसों में हमने 12,000 करोड़ के जो फाइबर एसेट्स सेल करे हैं उसके न्यूज देखे थे। ये दो न्यूज पॉजिटिव रहे हैं। आज के कामकाज देखेंगे तो 4 लाख के कंपेरेटिवली 4 करोड़ के कंपेरेटिवली 8 करोड़ की सेलिंग इस स्टॉक में दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव है, यानी इस समय बायर सेलर पे डोमिनेंट होते दिख रहा है। रिसेंट के अगर वोडाफोन के डिलीवरी की बात करें कि रिसेंट में इस स्टॉक का क्या डिलीवरी रहा है, तो आप पाएंगे कि डिलीवरी बेटर रही और जो टेक्निकल ट्रेंड रहा वो भी इस समय आउट परफॉर्मिंग है। अब इसके चार्ट को देखेंगे तो चार्ट को देख करके ये समझ में आ रहा है कि ये जो 14 to 16 का जोन है ये लास्ट रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि ये भी ट्रेंड अपर ही है और जब तक हमने क्या कहा था 12.20 के नीचे की क्लोजिंग नहीं हो तब तक बिल्कुल वीकनेस नहीं आने हैं। इस समय ट्रेंड स्ट्रांग ही है, लेकिन जो रियल मोमेंटम है वो 16.75 के ऊपर दिखेगा। एक बार इस लेवल को क्लोज किया तो फिर रियल ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि 17 के ऊपर का ट्रेंड स्टॉक को कहां लेकर के जाएगा। तो 17 के ऊपर का ट्रेंड, इसको मैं मंथली चार्ट कर लूं ताकि आपके व्यूज काफी क्लियर हो और आप देख पाए कि आगे के क्या ट्रेंड दिखते हैं। और यकीनन एक बार स्टॉक अगर 17 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, एक बार अगर ये 17 को क्लोज करता है तो पहला टारगेट नियर अराउंड 24 to 27, ये पहला टारगेट इस जोन में आएगा 24 to 27। और जो दूसरा टारगेट आएगा वो क्या आएगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा टारगेट नियर अराउंड जो निकल करके आएगा वो आएगा 45 प्लस, दूसरा टारगेट। और जो लास्ट टारगेट होगा वो नियर अराउंड आएगा 65 to 70। और वीकनेस कब तक नहीं आएगी, तो वीकनेस इस स्टॉक में तब तक नहीं आएगी जब तक स्टॉक 12.25 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिले।